ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है जी स्टूडेंट्स सारिआं दा। कैनेडा दा इस वक्त बहुत वधिया टाइम चल रहा है, सो ये वधिया टाइम दा फायदा कैनेडा रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स किस तरीके नाल लै सकदे ने, अज्ज सारी इनफॉर्मेशन थोड़े नाल शेयर करांगे। क्यों रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स वास्ते बेस्ट टाइम है इस वक्त अप्लाई करन दा। अज्ज दे साडे गैसट ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों सासे। सो कंवर साहब, रिफ्यूज्ड रीफाइलिंग करन जा रहे ने जिहड़े, बेस्ट टाइम क्यों है ते केड़ियां गल्लां दा ध्यान रख के रीफाइलिंग करन? देखो, बहुत सारा बच्चा जिहड़ा है ओवरऑल सिक्स वाला, वह अक्सर प्राइवेट कॉलेजां च फाइल लाउंदा सी या दूसरे कॉलेजां च फाइल लाउंदा सी, नॉन एसडीएस च लाउंदा सी, रिजैक्ट हुंदा सी, इदां ही कुछ पीटी वाले आ। खासकर जिहड़े आईलेट्स वाले सिक्स ओवरऑल वाले सी, उहनां नूं हुण अपनी फाइल दुबारा जरूर लाउणी चाहीदी है। अगर वह कैनेडा दे प्लैन च सी, उहनां नूं यूटर्न नहीं लैणा चाहीदा। एक 10 अगस्त तो बाद हुण तुसीं रिकोगनाइज्ड हो गए, तुसीं एसडीएस च आ गए हो, सो चंगे कॉलेज दे विच एडमिशन तुहानूं मिल जाणियां ने। हुण उहदे विच लगा के अपनी फाइल एक बार दुबारा जरूर भेजो, क्योंकि कैनेडा ने जिहड़े वीजे देने हैगे 5 लाख ही है पहले जे नहीं वो नहीं वधे, पर वो 5 लाख वीजे इशू करन लई उन्होंने हुण बच्चे नहीं डीकदे रहना भी 6 ही 40 फाइलों आउणगियां ते उन्हां नूं वीजा देना। तो बेसिकली जिहड़ियां फाइलों पहलां लगनगियां वह पहलां प्रोसैस होणगियां अपने प्रोफाइल नूं लैके। जस्ट मेक श्योर करो कि हुण तुसीं अकैडमिकली सही हो, मतलब अकैडमिकली वीक नहीं हो, फाइनैंसिस सही दिखा रहे हो, आयल्स 6 हुण तुहाडे लई ट्रबल नहीं है। सो डेफिनेटली यह जिहड़ा समां है और आ जिहड़ा पीरियड है खासकर जनवरी इनटेक का, यह मिस नहीं करना चाहिए और अपनी फाइल नूं चंगे कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा लैके अपनी फाइल नूं दोबारा प्रोसीड करना चाहिए। सो कवर साहब, एसओपी भी चैक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। सर हुण वीजे इन्हां दे टिक गए, तुसीं समझो उन्होंने घोड़ा खच्चर एक करते, जिहड़ा उन्होंने रूल किया है घोड़ा खच्चर एक हो गए, जिहड़े नॉन एसडीएस सी ओ भी अज्ज दी रेट च एसडीएस हो गए ने। तो जदों हुण कॉम्पीटिशन इन्ना क्लोज हो गया तो वह कॉम्पीटिशन चो हुण निकलोंगे किदां? वह कॉम्पीटिशन चो तुसीं निकलोंगे अपने प्रोफाइल दे नाल ते फाइल दी प्रेजेंटेशन दे नाल। प्रोफाइल बदलिया नहीं जा सकता, जो हैगा उही रहना है, लेकिन फाइल प्रेजेंटेशन हर बंदे दी अपनी कला है कि वह केस नूं किदां प्रेजेंट करता है, किदां स्टेटमेंट ऑफ परपस च तुहाडियां पॉजिटिव चीज़ां नूं हाईलाइट करता है, ठीक है ने, नैगेटिव नूं एक साइड ते करता है, उस तो इलावा वह सपोर्ट च तुहानूं किदां वह स्ट्रोंग बनाउंदा है। सो फाइल प्रेजेंटेशन दे विच एसओपी एक की है, क्योंकि इत्थे कोई इंटरव्यू नहीं कि जिहड़ा तुसीं वीजा ऑफिसर नूं बोल के अपनी गल दस सकते हो। सो एसओपी ही एक जरिया है जिहदे नाल तुसीं अपनी गल, अपने मन की, अपने दिमाग की, अपने फ्यूचर प्लैन की, अपने कोर्स सिलेक्शन की सारी डिटेल वीजा ऑफिसर दे अगे रख सकते। सो स्टूडेंट्स, फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिवें कवर साहब ने कहा, सो बहुत ध्यान नाल अपनी फाइलिंग करो, बहुत ध्यान नाल अपना कंसल्टेंट चूज़ करो, क्योंकि एक बारी या दो बारी तुसी रिफ्यूज़ हो चुके हो, थोड़े वास्ते टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कोई भी सवाल है ब्रॉडवे की टीम नूं कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।